दोस्तों आप लोगों की बार बार शिकायत रहती है कि डेल के लैपटॉप के बारे में नहीं बताते। डेल हमारा फेवरेट है, डेल हमें चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो बिल्कुल भी डेल के बारे में ही होने वाली है और ये सारे लेटेस्ट लैपटॉप हैं जो बिल्कुल भी लेटेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं 12th generation प्रोसेसर के साथ में, ताकि अगले 5-10 सालों तक वो रख सके, काम कर सके। क्योंकि डेल का लैपटॉप आज भी क्वालिटी में ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो अलग बात है कि जो पहले वाली क्वालिटी है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि ये भी कंपटीशन में आ गया है, लेकिन फिर भी ठीक है। जिनका डेल का भरोसा है वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप के ही बारे में, जो कि इंटेल के 12th जनरेशन के साथ में आए हुए हैं और ये बिल्कुल 2023 के लेटेस्ट लैपटॉप ही हैं। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस को मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला मॉडल यह है डेल वॉस्ट्रो का 3420 मॉडल 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, 1215U प्रोसेसर i3 का लगा हुआ है इसके अंदर। ये 4.4 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है, 10MB कैच के साथ में, 6 कोर का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल देता है। बाकी अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो 8GB इसके अंदर जो है रैम लगी हुई है, 512GB SSD लगी हुई है, DDR4 रैम है 2666MHz का, और इसके अंदर जो है दो स्लॉट आपको मिलते हैं, एक ही 8GB लगा हुआ है, एक और 8GB खाली है, जिसके अंदर एक और 8GB लगाएंगे तो ये 16GB हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 16GB तक जो है आप इसके अंदर स्पेंड कर सकते हैं, 512GB का M.2 NVMe SSD लगी हुई है। बाकी इसके अंदर फुल HD का WVA पैनल के साथ में इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल रहा है, 14 इंच एक स्टैंडर्ड साइज में, 250 nits ब्राइटनेस के साथ में आता है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस आपको दे देगा। बहुत अच्छा लैपटॉप ये मॉडल निकाला है। बाकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक USB 3.2 Gen 1 का Type-C पोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा विथ डिस्प्ले पोर्ट, चाहे तो आप वहां से डिस्प्ले भी इससे ले सकते हैं, एक USB 3.2 Gen 1 का और एक जो है USB 2.0 इसके अंदर पोर्ट देखने को मिल रहा है, और एक हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो RJ45 मिल रहा है ये 1GB वाला मिल रहा है, जिससे परफॉर्मेंस आपको बहुत ही भयंकर मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और साथ में SD कार्ड का स्लॉट भी मिल रहा है, जिससे आप कार्ड भी लगा करके डायरेक्ट वीडियो को जो है इसके अंदर ले सकते हैं। विंडोज 11 और MS Office 2021 के साथ में ये आ रहा है, मिला जुला करके जितने में है बहुत अच्छा जो है ये लैपटॉप हो सकता है और बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप आप बाय करेंगे। और इससे आगे अगर आपको चाहिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है, मॉडल वही है, वैसा ही दिखने में लुक्स है, लेकिन ये जो है ये 15 इंच के साथ में है, 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ में ये आएगा, पिछला जो है 14 इंच के साथ में ये आएगा, और ये जो है i5 12th जनरेशन है, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ में ये आएगा, और इसके अंदर जो है 120Hz का ही इसके अंदर भी डिस्प्ले मिल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। फुल HD का WVA पैनल के साथ में ये डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसके साथ में मिलेगा। तो जिन लोगों को अगर ट्रेडिंग वगैरह करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट है, सारे इंटरनेट स्पीड वगैरह हर चीज जो है, RJ45 वगैरह हर चीज जो है आपको बहुत ही फास्ट मिल रही है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। जिनको 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ में चाहिए वो इसे बाय करें, 14 इंच में जिनका काम चल सकता है वो पिछला वाला मॉडल बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चीज वही है, 15.6 इंच वाला ही डिस्प्ले के साथ में, इसका स्टोरेज अलग है, बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज होता है जिसके अंदर इस टाइप का स्टोरेज होता है। वैसे i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर वही है जो पिछला में आपने देखा, इसके अंदर जो है 8GB रैम के साथ में 1TB हार्ड ड्राइव है जो आपके डाटा के लिए है, 256GB स्टोरेज है, SSD जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है विंडोज 11 यानी कि आपके सॉफ्टवेयर्स के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप SSD यूज कीजिए, डाटा के लिए 1TB का हार्ड ड्राइव यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, आपके डाटा के लिए भी स्पेस मिल गया और फास्ट चलाने के लिए जो है परफॉर्मेंस के लिए आपको SSD भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही लाइट वेट है ये सब लैपटॉप, मात्र 1.5-1.6 kg के आसपास इसका वेट है, 250 nits के साथ में, 120Hz के साथ में मिलने वाला है, गेमिंग में परफॉर्मेंस भी इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बाकी सारे परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ऑफिस के लिए चाहिए, भारी काम के लिए चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, उन सारे कामों के लिए ये
सारे के सारे लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। इसका जो प्राइस है 58,990 रुपीस, जो कि इस प्राइस को बिल्कुल भी वर्थ कर रहा है। लेकिन इन सारे प्राइसेस का करंट प्राइस जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें, वहां से इसका करंट प्राइस पता लगेगा, क्योंकि ये सारे प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं 2-in-1 के अंदर, जिनको टैबलेट की तरह भी यूज करना है, टच लैपटॉप चाहिए उनके लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छे हो सकते हैं। डेल इंस्पिरियन का 7420 जो है ये मॉडल 2-in-1 है, इसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टच वाला है। पलट करके जो है आप टैबलेट की तरह यूज कीजिए, फिर सही करके आप इसको जो है लैपटॉप की तरह यूज कीजिए। इसके अंदर i3 12th generation का प्रोसेसर लगा हुआ है जो फर्स्ट वाले में लगा हुआ था, 8GB रैम के साथ में 256GB SSD लगी हुई है, 14 इंच की स्क्रीन है फुल HD टच वाली। जो क्वालिटी है वो वही है, WBA पैनल के साथ में आ रहा है, 250 nits है, बस इसके अंदर टच पैनल लग गया है जिसकी वजह से टच की तरह काम करेगा। वेट इसका मात्र 1.57 kg है, बहुत ही लाइट वेट है i3 12th generation के साथ में। प्राइस इसका 54,000 है, 2-in-1 लैपटॉप 54,000 के अंदर i3 12th generation के साथ में बिल्कुल परफेक्ट है, टच के साथ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। इस प्राइस को ये बिल्कुल भी वर्थ कर रहा है, डेल ने अपना प्राइस बहुत सुधारा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसी का अपर वर्जन यानी कि थोड़ा सा स्टोरेज इसमें बढ़ करके मिलेगा। इसके अंदर i3 12th generation का ही प्रोसेसर है, 8GB रैम ही है, लेकिन 512GB SSD है, पिछले वाला में 256GB SSD है, इसके अंदर 512GB SSD है, बाकी पेन वगैरह सब कुछ मिलता है, आराम से आप इस पर मजे लेकर के काम कर सकते हैं, टच के साथ में फुल एंजॉय कर सकते हैं। इसका प्राइस 60,000 है, 60,000 रुपए में ये मिलेगा। ये जितने भी सारे डेल के लैपटॉप है बड़ा ही बेहतरीन क्वालिटी में निकाला है और बहुत ही बेहतरीन प्राइस में निकाला है, तो ये जिस भी प्राइस रेंज के अंदर आ रहे हैं ये सारे के सारे इस प्राइस को बिल्कुल भी वर्थ कर रहे हैं। दूसरा, आपको डेल का भरोसा मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।